आखिर चलो करते थे, आखिर काशी चांदू उन्होंने आखिर किया, जब देखे कि भाई जानवर तो हिल रहे, बरसात का टाइम आ गया, गर्मी आ गई है, ठंडी आ गई है, फिर हम खाएंगे क्या, पर्यटक तो भूखे मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसे तो चलने वाला नहीं, अब हम ये करते कि पशुओं को ही पाल लेते हैं। तो उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अब जब पशु आ गए, जानवर आ गए, जब जानवर आ गए उनके पास क्या बेनिफिट हुआ, चलता फिरता भोजन हो गया, कभी पता चला कि उसके बैठ के घूमने भी लगे, ऐसे बैठा उसने जस्ट एकदम आगे एकदम भूख होता चला गया, और जब उसे भूख लगी भाई कुछ खाने के लिए तो जानवर तो मार के खा गया, ठीक है। तो ये चलता फिरता भोजन हो गया, तो भोजन में जो पशु चारण था उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक कौन सा था, चलवासी पशु चारण, जो हमेशा लेके घूमते रहते थे, उसको बहुत सारी संख्या में जानवर होते थे, बस उसको लेके घूमना उनका काम होता था, ठीक। दूसरा क्या था, वाणिज्य पशुधन पालन, जो बड़ी हाई लेवल से करते थे, बड़ी सी जगह होती थी, बहुत बड़ा एरिया होता था, सिलेक्टेड एनिमल्स को पालते थे, बड़े हाई लेवल पे पालते थे, तो वाणिज्य पशुधन पालन होते। इसके बाद जब लगा कि पशु भी चल रहे हैं, सब चल रहा है, अब क्या क्या जो था एग्रीकल्चर आ रहा है, खेती करेंगे हम लोग, क्योंकि पशु को लेके हर बार इधर उधर फिर जाएंगे। मान लो पशु को लेके एक बार पहाड़ पे गए थे, काफी टाइम तक गर्मियों के टाइम में लोग पहाड़ पर रहे, तो पहाड़ में क्या हमेशा जानवर ही खाते रहेंगे क्या, नहीं ना। फिर और भी चीजों ने कहा कि एग्रीकल्चर कर लेते हैं, वहीं पर चीजों को जाके खाना शुरू कर दिया। फिर ठंडी आई तो पहाड़ से कहाँ जाते थे, नीचे आ जाते थे, नीचे मेट्रो अपना काम करने लगते थे, ठीक है। इसको एक क्या कहा गया, ऋतु प्रवास कहा गया, भाई मौसम के अनुसार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आने लगे, फिर जमीन पे यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से खेती का ट्रेंड, एग्रीकल्चर का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो आज आप बोलिए खेती का ट्रेंड, तो आज खेती का ट्रेंड बात नहीं करेंगे, आज हम दो तीन आगे तक के बारे में और पशुचारण की बात कर लेते हैं, और आने वाली जो तारीख होगी उसमें हम खेती के बारे में बात करेंगे, उसके बाद खनन के बारे में बात कर लेंगे। खनन पता है आपको, माइनिंग जो होता है उसकी हम बात कर लेंगे। तो बात करते हैं हम आगे तक के बारे में। तो आर्थिक क्रिया जो है जिससे मनुष्य को आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया हो गया, आर्थिक क्रिया में क्रिया है प्राथमिक क्रिया, और हम प्राथमिक क्रिया की ही बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक क्रिया में पूर्ण रूप से प्रकृति के उत्पाद के ऊपर ही निर्भर होते हैं, प्रकृति के उत्पाद से ही अपना सब कुछ कार्य होता है। तो स्टार्टिंग के टाइम में जो मानव था वो एक आदि मानव था, एक आदि था, उसके पास ज्ञान या सभी चीजों का अभाव था, ठीक। उसके पास बुद्धिमत्ता उतनी ज्यादा नहीं थी, अच्छी नहीं थी, ये सभी होने में काफी लंबा टाइम लगा। आज मैं बोलूँ की भाई अचानक ही व्यक्ति शिक्षित हो गया, अचानक ही वैसे, तो ऐसा कुछ नहीं था, काफी लंबे टाइम हजारों वर्ष लगे, तब जाकर उसके अंदर ज्ञान आया, नॉलेज आया, चीजों को समझने की शक्ति आई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो मानव था वो क्या करता था, तंदुरुस्त खा रहा था, जंगलों में गया, वहां पे उसको पत्ते वगैरह मिले, वही नोच के खा लिया, फ्लावर्स जैसे मिले वो खा लिया, कुछ फ्रूट्स लगे हुए पेड़ को उसे तोड़ के खा लिया, और इस तरीके से अपना खाना पीना करता था, ठीक है। बट अब बाद में उसे ये लगा कि भाई हर मौसम में तो पेड़ वगैरह या फिर फ्रूट्स वगैरह नहीं होते, फटैली कुछ होता है मौसम जिसमें हम कल ठंडी हो गए, देखो बहुत सारे हमारे पास क्या जाते हैं वेजिटेबल्स आ जाते हैं, तो ठंडी में तो इनकी हिम्मत आ जाती होगी, ठंडी टाइम में खूब दबा के खाते थे, बट जब गर्मी का टाइम आता था फिर उसकी संख्या कम हो जाती थी, जितने भी ट्रीज थे सूख जाते थे, पत्ते गिर जाते थे, तो पैनिक सिचुएशन आ जाता था। तो ये सारी काफी प्रॉब्लम इनको फेस करने पड़े थे। तो बाद में इनको लगा कि भाई अब तो ऐसे काम ही चलेगा, अब हमें क्या करना चाहिए, आखिर करना चाहिए, आखिर उनका मतलब क्या स्वीकार करना चाहिए। तो भाई भाला लिया एंड जस्ट भागने लगे एंड आखिर करने लगे, जस्ट इस जानवर को देखा, मारा, पकड़ा, नोचा एंड जस्ट खाना स्टार्ट कर दिया, आखिर के रूप में खाना स्टार्ट कर दिया, मारा, खाया, पका, ऐसे दूसरे सामने देखा कि मैं उधर जानवर उधर मारा, उसको लाया घर, नए सबने फिर बैठ के खाया, ठीक। कहते हैं बकरा कटेगा सबने बटेगा, तो यही हो गया कि भाई बकरा उधर कटा लाइक सबने बटा, सबने दबा के खाया उसको, है ना। और आखिर का सिस्टम था उस टाइम में, तो कहते हैं कि शुरुआत समय में आदि मानव की संख्या अधिक थी और उनके समय में तंदुरुस्त रहते थे, ठीक। बाद में उन्होंने जो आखिर करना शुरू किया क्योंकि उन्हें लगा कि तंदुरुस्त से कुछ नहीं होने वाला, हमें आखिर भी करना है। अब क्या हुआ, फिर मौसम भिन्नता के कारण वे आखिर नहीं कर सकते थे, फिर उन्होंने खाद्य संग्रहण पर ध्यान दिया। अब आखिर का भी टाइम था क्या, हमेशा जानवर अवेलेबल होंगे क्या, भाई आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में आपने जानवर को मार दिया काफी जानवरों को, तो क्या डर के मारे भी जानवर नहीं दिखेंगे। और कोई भी भौगोलिक भिन्नताओं के कारण, आपदाओं के कारण, कुछ भी प्राकृतिक घटनाओं के कारण जानवर लुप्त हो जाते, गायब हो जाते जानवर, जानवर उस टाइम गायब हो गए, तो भाई खाएगा क्या, पिएगा क्या, था उन्हें ये फील होने लगा कि भाई हमें खाना बचाना है, जब हम खाना बचाएंगे तभी तो हम भविष्य में खाएंगे। तो उन्होंने किसके अपना फोकस करना स्टार्ट कर दिया, खाना बचाने के। तो खाना बचाने में फोकस किया, उसे क्या किया, कहा गया खाद्य संग्रह किया, कहा तो खाद्य संग्रह स्टार्ट हो गया, जिससे अपने भविष्य वाले टाइम में वो खाते। तो इस स्टार्टिंग में कंदमूल खाते थे, पत्ते, घास, छाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो लगे रहते थे नॉर्मली, इनको भी नहीं पता था कि फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, फ्लावर से, कुछ नहीं पता था, जस्ट खा लिया।
बाद में लगा कि इससे काम नहीं होगा, उन्होंने आकेट करने स्टार्ट कर दिया, जानवरों को मारा, जैसों को खाया, बकरा कटा, सब में बटा, इस तरीके से स्टार्ट हो गया। अब लगा कि हम क्या, तो कहा कि भाई जानवर तो ऐसे खत्म हो जाएंगे, अब हमें अपने आने वाले टाइम के लिए बचा के रखना होगा। तो इन्होंने जो है जो भी जैसे खाना कुछ भी खा रहे हैं कुछ बचा के रख दिया, कुछ बचा के रख दिया। तो ये क्या दो तीन महीने की बात है क्या, एक महीने में तनमूल कर रहा था तो दूसरे महीने में आकेट कर लिया, दूसरे चौथे महीने में, ये नहीं, ये चीज चेंज होने में काफी हजारों वर्ष लग गए। पहले तनमूल का था, दूसरा वो आकेट पे आ गया, दूसरा तो किसका आ गया, खाद्य संग्रह पे आ गया। तो ये सब होने में लगभग दो चार पाँच सात महीने की बात नहीं है बच्चों, ये सब होने में लगभग हजारों वर्ष लग गए, और हजारों वर्ष लग गए लगभग कितनी टाइम, कितना टाइम पीरियड लग गया होगा। तो बाद में लोग खाद्य संग्रह के रूप में आ गए, खाना को उन्होंने बचाना शुरू कर दिया अपने आने वाले टाइम के लिए। तो अभी जो खाना बचाने वाला क्षेत्र था उनका था उत्तरी अक्षांशता क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कनाडा, यूरेशिया, दक्षिणी चिली जो है ये पाए हुए देश थे। दूसरा आता था लेन अक्षांशता क्षेत्र, जहाँ पे आपका मिडल एशिया एंड अफ्रीका के जो एरियाज हैं वहाँ पर ये देखने को मिला। ठीक है, तो ये आपको समझना है आपके तक खाद्य संग्रह का सिस्टम क्या था। स्टार्टिंग में कर रहे थे, बाद में ज्ञान में वृद्धि हुई, उन्होंने आकेट का डिपेंड कर लिया, जानवरों को मारा, जिसने खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, और जब आकेट का मुझे लगा तो बाद में कोई ध्यान आया कि भाई आकेट से ही हमारा कुछ नहीं चलने वाला, बाद में उन्होंने जिसका ध्यान किया, उन्होंने कहा कि खाना को बचा लो, जितना ज्यादा खाना बचा रहेगा हमारे लिए उतनी ज्यादा बेटर होंगे, तो उन्होंने खाना को बचाने में फोकस किया। तो खाना बचाने की जो चीजें हैं उत्तरी कनाडा, यूरेशिया, दक्षिणी चिली, अमेजन बेसिन एंड अफ्रीका वाले जो क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों में चल रही है ऑन द मेन। दूसरा जो आता है आपका पशु चारण, जब इन्होंने आकेट कर लिया, खाद संग्रह कर लिया, अब इनको जो करना था क्या करना था, पशु चारण। उन्होंने कहा कि पशुओं को पालना शुरू करो, तो पशुओं को कैसे पाला जाएगा, गया उठा के लिया है, पाल लिया क्या, ऐसा हो रहा है क्या भाई, आपने पता है कि भाई आपने डॉग पालना है, आप सीधा डॉग मार्केट गए, वहां से कोई सा डॉग से रख के भाई सब आप जाएगा मेरे घर, ऐसा सुनना होगा। तो इन्होंने ज्योग्राफिकली जिस पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल पाए जाते हैं उन्होंने जिनको पालना स्टार्ट कर दिया। मान लो जो माउंटेन एरियाज में रह रहे थे उन्होंने याक वगैरह, जेब्रा वगैरह को पालना स्टार्ट कर दिया। जो नॉर्थ इंडिया वगैरह में रहते थे उन्होंने जो गाय, बफेलो, बकरी वगैरह जो है इन सबको पालना स्टार्ट कर दिया। जो डेजर्ट एरिया में रहते थे उन्होंने कैमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया। तो अलग अलग रीजन्स में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग एरियाज वगैरह में लोग जो है अलग अलग जानवरों को पालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो जानवर थे उनके लिए कैसा भोजन था, चलता फिरता भोजन था, बताया मैंने आपको कि भाई एसआरडी में क्या जस्ट खाना स्टार्ट कर दिया, लेके चल रहा है भोजन नहीं मिलेगा तो जानवर को ही खा लेगा। ठीक है ना, तो इस स्टार्टिंग को आखिर किया, बाद में संग्रह किया, खाना को बचा के रखा, बाद में खाना कितना बचा के रखेंगे क्योंकि उन्हें माइग्रेटरी भी होना पड़ता था प्राकृतिक घटनाओं के कारण। तो उन्होंने जो अपना फोकस किस पे कर दिया, पशु चारण पे कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। जब पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया तो पशु उनका चलता फिरता भोजन हो गया, तो पशुओं को लेके घूमते फिरते उनकी ना कोई विशेष जरूरत भी नहीं थी, प्राकृतिक कुछ जो घास होते तो वही पशु खा लेते थे, जैसे घास वगैरह चलते हैं ना जानवर वगैरह जिसमें ऐसे चलते थे खा लेते थे। तो जब इनको भोजन देते थे इन जानवर को पकड़ा लगाया, लगा दिया पानी में, लाइट पीस लाइट पीस मार दिया। तो जब मानव को लगा कि अकेले भोजन से कुछ नहीं होगा तब इन्हें पशुओं को पाला, और क्योंकि पशु चलता फिरता भोजन था इसलिए पाल दिया उसको। उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार पशुओं को पालना शुरू किया, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज में जो जानवर पाए जाते थे उन्होंने उसी जानवरों को पालना शुरू किया। तो अब ये लगा जो पशु चारण थे इसमें अब रोज आने लगे, वर्तमान समय में ये नहीं हो रहा है पशु चारण, वर्तमान समय में चलवासी पशु चारण को आप देखोगे तो इतना नहीं होता, पाकिस्तानी भी तो होगा माउंटेन एरियाज में कोई, तो क्या इंडिया जाते हैं क्या, नहीं, बॉर्डर्स आ चुके हैं आज के टाइम में, देशों के बीच में डिबेट हो गया है, तो ये अब के टाइम इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, बट इन द एंशिएंट टाइम को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। तो आज अगर कभी आपने सुना इन पर वहाँ का कोई पशु चारा था और जहाँ इंडिया आके घूमने लगा जानवर को लेकर, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा ना, सुनने को मिलेगा। तो चलवासी अब बात कर लेते, तो पशु चारण को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, पहला चलवासी पशु चारण और दूसरा डिवाइड कर दिया गया वाणिज्य पशु चारण। तो चलवासी पशु चारण जो है वो नेचुरली जो जानवर पाले जाते हैं कैसे नेचुरली उनके लिए था, और इनके लिए क्राइटेरिया रखा गया भाई आपने ऐसे से हमें पालना है साइंटिफिक तरीके से पालो, बट इसमें नहीं नेचुरली पालो, नेचुरल प्राकृतिक रूप से पालो, जो जैसे पल रही थी सुविधाएं नहीं थी उस टाइम, बट यहाँ पर सुविधाएं से बताएं। तो बात करेंगे चलवासी पशु चारण के बारे में, इसके समुदाय भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक,
एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह भोजन की तलाश में जाते थे। कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जानवरों के लिए कोई कपड़ा नहीं लाना पड़ता था, ना दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, ना इंजेक्शन लेना पड़ता था, ना खाना लाना पड़ता था, कुछ नहीं। सीधा जानवर घूमता था प्राकृतिक परिवेश में, नेचुरल एरिया में, वहीं पर घूम घूम के खाता था, दोस्तों देता था। भेड़ बकरी को पाला जाता था। ये पूरी दुनिया, ये पुरानी दुनिया में देशों में तक सीमित है, जो पुरानी ओल्ड जो कंट्रीज वगैरह है उनसे मैंने वहाँ तक की थी। पशु प्राकृतिक परिवेश में पाले जाते हैं। अब पशुओं के लिए भाई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं था कि भाई आप इस एरिया में रहोगे, पर्टिकुलर एरिया नहीं था, पर्टिकुलर लोकेशन नहीं था जो यहाँ पाए जाते, नहीं, वो प्राकृतिक परिवेश थे, घूम फिर के कहीं भी रहते थे, जस्ट बोलो सोते उठते थे, जैसे वो जानवर ये सब जानवरों को समेटा, घूमने के लिए निकल गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, वहाँ जाके रहा कुछ टाइम, देखिए जानवर इधर उधर बैठे थे, सोए हुए हैं, ठीक है, जब घूम लगे जानवरों को भी खा लेते थे, जानवर लगता था गुजर था उनके लिए एक तरीके से। तो ये था चरवासी पशु चारण, और चरवासी पशुचारण के लोग क्या करते थे, ऋतु प्रवास करते थे, क्या करते थे, मौसम के अनुसार प्रवास करते थे। गर्मियों के टाइम में पहाड़ों पर चले जाते थे, और ठंडियों के टाइम में जमीन पे, यहाँ धरती के जो प्लेन एरिया मैदान होता था, मैदान क्या जाते थे, तो गर्मियों में पहाड़ पे, ठंडियों में मैदान पे, यही जो सिस्टम है इसको ऋतु प्रवास कहा गया। तो चरवासी पशुचारण समझ में आया। अब बात करते हैं भारतीय पशुपालन के बारे में। इससे बड़ी संख्या में पशु होते हैं, छोटे बड़े नहीं, बहुत बड़ी संख्या पशु होते हैं, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, और भी बड़ी संख्या में क्या होते हैं, पशु हो सकते हैं। पूंजी प्रधान है भाई, जो जानवरों को पर्टिकुलर एरिया में पाला जा रहा है उनके लिए क्या क्या लगेगा, पूंजी लगेगा, पैसा लगेगा, उसके दवाई के लिए, उसके इंजेक्शन वगैरह, उसके जो खाने पीने को लेकर क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तीसरा वैज्ञानिक तरीके से पाला जा रहा है, जो पशु थे, जो जानवर थे, उनको किस तरीके से पाला गया, साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, यानी कि क्या कितना खाना खिलाना है, कितना खाना नहीं खिलाना है, समय पर कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई नहीं देनी है, ठीक है, और उनको कितना चलना चाहिए, कितना नहीं, तो ये सब वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से पाला गया। विशेष पशुओं को पालते थे, सब जानवरों को नहीं पालते थे, तो पर्टिकुलर लोकेशन में जो जानवर अच्छे थे, जिनकी डिमांड थी, उनको इतना पालना शुरू किया। पशुओं का व्यापार करते थे, जानवरों को दिया, उनको पालना दूध देना शुरू किया। तो ये जो है यूएस ऑस्ट्रेलिया का सीमित है, यानी कि ये जो है ये डेवलप देशों में, कहाँ कहेंगे, और ये जो है अंडर डेवलप देशों में, अंडर डेवलप देशों में, तो जो डेवलप देशों में इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, एरिया फिर लेते, सब फिर लेते, तो सब कुछ इनके पास अच्छा होता है, ठीक, बट इंडर और जो दूसरा चीज है वो है अंडर डेवलप देशों के पास, इनके पास फैसिलिटीज नहीं, तो प्राकृतिक परिवेश में पाए जाते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म होती है प्राथमिक क्रिया में। तो प्राथमिक क्रिया जिन्हें मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है, और स्टार्टिंग में मनुष्य कंदमूल खाता था, नाउ सेकेंडली जो आर्थिक संग्रह के रूप में आ गया, बाद में उसको लगा कि भाई इससे काम नहीं चलने वाला, तो पशुचारण में आ गया, पशुचारण में जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन, जलवासी घूम घूम के पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया, वाणिज्य पशुधन पालन में पर्टिकुलर बड़ा सा एरिया खरीद लिया गया, उस एरिया में पशुओं को पाला गया, लंबे टाइम तक रखा गया, ठीक है, जलवासी पशुचारण में कोई सुविधा नहीं दिया, ना पूंजी, ना भूमि, ना बाजार, कुछ नहीं, सब मेजबानी चल रहा था, बट वाणिज्य पशुधन पालन में पूंजी देखा गया, मैं पैसे लगाऊ, डॉक्टर्स वगैरह साइंटिफिक चीजें भी आपके, एरिया काफी अच्छा होना चाहिए, नियर में मार्केट होना चाहिए, जानवर को बेचना भी तो है, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, हम जानवर तक आ तो पाए, तो इन सभी फैक्टरों को देखा गया इसमें वाणिज्य पशुधन पालन में, बट चलवासी पशुचारण में इन सब चीजों को नहीं देखा गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हल्का हल्का आपको एक ओवरव्यू हो रहा होगा इसमें क्या हमने डिस्कस किया आपके साथ। तो ये जितनी भी परिघटनाएं घटनाएं मैंने बताई आपको, ये सभी किसके ऊपर बेस्ड है, प्रकृति के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको प्राथमिक क्रिया कहा गया, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये सब टॉपिक आपको हल्का हल्का समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बस गो थ्रू हो जाइए अगेन, आप देख लीजिए कंटेंट जो मैंने आपको बताया है, एंड इससे रिलेटेड जो एग्रीकल्चर एंड माइनिंग से रिलेटेड जो इसी में जो टॉपिक है उसको हम अपने आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हल्का हल्का समझ में आया होगा, जो भी है बेटर में आपको समझ में आ गया होगा, ना एक बार अभी कभी भी तो मैं बुक में पढ़ ली थी, तो बाबा ये देखिए, तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, ओके।